अस्सलाम वालेकुम जनाब। और अपडेट है आप सबके लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कि मोहम्मद आमिर का T10 लीग का NOC रोक के रखा हुआ था वो अब जारी कर दिया गया है। मोहम्मद आमिर काफ़ी दिनों से ये ट्राई कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें वीज़ा जारी NOC जारी करे, लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप में एक TV चैनल पर बैठ के उन्होंने रमीज़ राजा, बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर जो तनकीद की थी उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। काफ़ी वेट कराया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें NOC के लिए और 3 मैच वो मिस कर गए अपनी टीम के लिए। जो इब्तदाई 3 मैचेस थे वो नहीं खेल सके और अब थोड़ी देर पहले मोहम्मद आमिर को NOC जारी किया गया है और अब वो शायद 4th और 5th जो मैच उनकी टीम खेलेगी T10 लीग में उसके लिए दस्तियाब होंगे। ये बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर चूँकि रिटायर हो चुके हैं तो उन्हें NOC की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में ये एक क्लॉज होती है जिसमें ये कहा गया है कि रिटायर्ड क्रिकेटर को भी किसी लीग में शिरकत के लिए NOC लाजिम होगा और ये लीग के जो कवानीन होते हैं उसमें भी शामिल होता है कि जिस मुल्क का खिलाड़ी है उस क्रिकेट बोर्ड का NOC उसके पास हो। तो इसलिए मोहम्मद आमिर के लिए ये NOC बहुत ज़रूरी था, लेकिन खुशाइंद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब उनको NOC जारी कर दिया है।